नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला हिंदी सीखने और सिखाने की एक नई विधा को आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। मैंने आपसे कहा था कि एक श्रृंखला लेकर मैं आई हूँ जिसमें अ से लेकर अह तक सारी मात्राओं को एक एक करके मैं आपके समक्ष रखूंगी। पिछले वाले वीडियो में मैंने वर्णमाला की बात किया, यानी जितने भी हमारे अक्षर मालाएं हैं उनकी बात हमने किया कि उसका उच्चारण कैसे करते हैं। अगर हम सही उच्चारण सीख लें तो हिंदी भाषा लिखना और उसको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो पिछले वीडियो में मैंने अ की मात्रा से शब्द आपको बताया था कि जितने भी हमारे वर्ण हैं यानी अक्षर हैं उन एक एक अक्षर को लेकर एक शब्द का निर्माण करते हैं, क्योंकि अ मात्रा से जितने भी हमारे अक्षर हैं उसमें अ स्वर छिपा होता है। बात करेंगे अ की मात्रा की। एक बात आपसे और शेयर करना चाहूंगी, एक तथाकथित चैनल है जिसमें मैंने इमला का कुछ तरीका बताया था, गिनती विधि से इमला कैसे लिखे मैंने बताया था, तो सेम तरीके को उन्होंने अपने ढंग से वीडियो बनाकर डाल दिया। तो जिस तरीके को मैंने इजाद किया है, तो पहले तो मैं ये कहती हूँ कि आप सीखिए, सीखना बुरा नहीं है, लेकिन उस तरीके से एक नया तरीका आप खोजिए, यही तो सृजन है। तो चलिए वक्त न बर्बाद करते हुए आज हम आ मात्रा की बात करते हैं और चुटकियों में आपको सिखाते हैं अ मात्रा से लगा हुआ शब्द। तो चलिए आ की मात्रा वाले शब्द जानने से पहले एक बार हम मात्राओं की बात कर लेते हैं। यहां देखिए मात्राएं हैं अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अः। आपको सीखना है इनके तरीके को, आपको सीखना है इनके चिन्हों को और आपको सीखना है इनके ध्वनि को। हम बात अ की करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने अ से बहुत सारे शब्द का निर्माण बहुत आसान तरीके से बता दिया, क्यों। अब बात हम अ की करेंगे। आ, जिसको मैंने कहा मुंह खोल के हम पढ़ते हैं आ, और सबसे कठिन मात्रा अगर हम किसी की बात करें तो आ की होती है, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं अ और आ में। तो आ में देखिए, आ के सामने आपको यहां पर एक खड़ी रेखा दिखाई दे रही, यही ये चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी जो यहाँ पर अक्षर है और जो ये मात्राएं हैं इनको चिन्ह के रूप में इन वर्णों पर प्रयोग करके एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है। अब यहां हम इ की बात करेंगे। इ जो किसी भी अक्षर के पीछे से लगाया जाता है और इसको हम हिचकी लेके पढ़ते हैं इ। अब हम ई की करें, जब ई की बात करते हैं तो इसमें वक्त ज्यादा लगता है, ये बाहर की तरफ हमारा श्वास जाता है। तो ये देखिए इसको इस चिन्ह के रूप में हम प्रयोग करते हैं। किसी भी वर्ण के सीधी तरफ हम ई की मात्रा लगाते हैं। बात हम उ की करें, तो उ क्या है, ये बहुत सीधा बच्चा है, माँ के पेट में छिपा होता है, इसलिए इसको देखिए इस प्रकार से चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब बात हम उ की करेंगे, मात्राओं वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको ये सिखाया है, लेकिन आज फिर थोड़ा सा याद करते हुए उधर हम बढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ ऊ की बात करेंगे, तो ऊ बदमाश बच्चा है और बाहर की तरफ भागता है, उसका जो चेहरा होगा वो बाहर की तरफ लगा होगा, इसमें भी वक्त ज्यादा लगता है। अब हम बात री की करेंगे, तो आप देखिए ये वर्ण के नीचे इस प्रकार से लटक कर लगता है, क में लगा तो क्री, मा में लगा तो म्री और च में लगा तो च्री। तो देखिए ए, ए जो स्वर निकल रहा है क में ए लगाते हैं तो के बनता है, हमेशा ध्यान रखिए, मैंने इस प्रकार से बताया है कि जब एक चुरकी होती तो ए की मात्रा की बात करती है और जो मात्राएं निकलती हैं उसकी एक ध्वनि होती, ए में ए ही लगाएंगे, अगर ए लगा देंगे तो शब्द बदल जाएगा, शब्द बदलेगा तो उसका अर्थ भी बदल जाएगा। अब देखिए आए, अभी ए था और ये आए है, जब आए है तो आए की ही ध्वनि निकलेगी, अगर हम कैलाश बोल रहे हैं दिमाग में आपके ये आना चाहिए कि आए की ध्वनि हमारे कानों में सुनाई दे रही है, तो कै की बात कर रहा हूं, कै लिखा कैसे जाता है, गाय ए बैल ए बकरी है, आए की मात्रा ऐसी लगती है। तो आपको ध्यान क्या देना है, तीन चीज कि जो शब्द बोला जा रहा है उसमें मात्रा की कौन सी ध्वनि सुनाई पड़ रही है, और अगर वो मात्रा हमें सुनाई पड़ रही है तो उसका चिन्ह कैसे होता है। अब हम बात ओ की करेंगे, तो देखिए अ में ओ की मात्रा लगा है, यानी एक डंडा और एक चुरकी, जिसको मैंने ऐसे सिखाया है। अब ओ निकला, कोमल लिखना है,
सोफा लिखना है या कुछ भी ओ की मात्रा वाले कोई भी शब्द लिखना है, जब ओ की बात करेगा तो ध्यान क्या रखना, ओ लिखा कैसे जाता है। अगर ओ लिखा याद आ गया आपको तो ध्यान रखना है उसके बगल जो मात्राएं लगी है वो लगी कैसे है। तो एक चुरकी और एक डंडा, ये ओ की मात्रा है। अगर हमने औरत बोला तो आपको क्या ध्यान रखना है कि औ की बात, आपको औ याद आ गया, औ के बगल वाली मात्रा याद रखिए कि एक डंडा और दो चुरकी, ये औ की मात्रा इस प्रकार से लिखी जाती है। जब हम अंग की बात करेंगे तो जब हम बोलेंगे तो वहां अंग की मात्रा हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देगी, जैसे पतंग, रंग, ढंग, यानी नाक से आवाज आती है। जब अह की मात्रा की बात करेंगे तो अह की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जैसे निः शब्द, दुख। वही हर वीडियो में मात्रा की प्रैक्टिस करेंगे लेकिन एक मात्रा को लेकर हम चलेंगे। अब एक बार हम वर्णमाला को कैसे पढ़ते हैं पुनः देख लेते हैं। क, कभी भी का खा गा घा नहीं पढ़ना है। क ख ग घ ङ, च छ ज झ य। यहां झ इस प्रकार से लिखा जाता है, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श ष स ह, श त्र ज्ञ और श्र। तो चलिए आ की मात्रा वाले कुछ शब्दों को देखते हैं जिसको बोलकर आप आराम से आ की मात्रा का प्रयोग करके उन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा क, अब क से एक शब्द का हम निर्माण करते हैं, काजल। का है, फिर ज है, फिर ल है, तो क्या ये काजल बन गया? नहीं, आप बोल कर देखिए। जब हम बोलते हैं तो हमारा होंठ ऊपर की तरफ जाता है, जहां होंठ ऊपर की तरफ जाता है वहां आ की मात्रा लगाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे आप बोलिए कजल, तो ये काजल है? नहीं, ये कजल है। अब आप बोल के देखिए और लगाइए मात्रा, का मुंह कहाँ खुला, का ज ल। तो यहाँ पर आप आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे और अ की मात्रा इस चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब खास एक शब्द का निर्माण करिए और आप बोलिए खराब। कितने अक्षर आए? खराब, तीन अक्षर आए। ख आ रहा है, दूसरा र आ रहा है और तीसरा ब आ रहा है। अब बोलकर देखिए कि आ की मात्रा इस शब्द में कहाँ लगेगा, तो ख खराब। तो यहाँ पर आपने देखा जब हमने खराब बोला तो रा में हमारा मुख ऊपर की तरफ गया यानी खुला, तो यहाँ र पे आ की मात्रा लगाया जाएगा। अब यहाँ से हम ग से देखते हैं एक शब्द और हमने बनाया गमला। तो गमला में कितने अक्षर हैं? तीन अक्षर हैं। अब आप बोलकर देखिए कि आपके होठ कहाँ ऊपर की तरफ उठते हैं, ग म ला। तेज बोलिए या धीरे बोलिए, आपके जो होंठ है, आपका जो मुख है, उसकी भाव भंगिमा बदल जाती है जब हम कोई भी अक्षर बोलते हैं और मात्रा के साथ बोलते हैं, ग म ला। तो यहाँ देखिए गमला, ला पर आ की मात्रा लग रहा है। अब हम घ से बनाते हैं, हमने घ फिर घ फिर र, अब क्या बन गया, घघर। अब आपको बनाना क्या है, घा घरा। कर देखिए कि आ की मात्रा कहाँ कहाँ निकल रहा है, तो घा घरा यानी घ में और र में। सब जैसे च से आपको बनाना है तो च से मान लीजिए आपको एक शब्द बनाना है चरखा, तो च यहाँ है, मैंने र लिख दिया और ख लिख दिया। अब आप बोल कर देखिए कि आ की मात्रा इसमें कहाँ लगनी है, आप लिखते रहिए साथ साथ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो च र खा यानी हमारा मुंह ख पे खुल रहा है। अब देखिए छ से हम एक शब्द बनाते हैं और बनाते हैं छात्रा। अब छ और त्र, कितने वर्ण हैं,
दो वर्ण है, आप बोल कर देखिए आपका मुख खुल रहा है या बंद हो रहा है। तो छा और त्र, तो यहाँ पे छ पे भी डंडा लगेगा और त्र पे भी लगेगा, बन गया छात्रा। अब ज से एक शब्द बनाइए और ज से आपने बनाया जहाज, तो कितने अक्षर आए ये ध्यान रखिए, ज हा ज, तो हमारे पास तीन, तो हमारे पास तीन अक्षर आए। फिर आप बोलिए कि जहाज में मुंह कहाँ खुल रहा है, ज हा ज। अब झ वर्ण से एक शब्द देखिए, आपको लिखना है झरना, झरना, जिसमें तीन वर्ण आए, झरना। तो कहाँ पे हमारा मुख खुला, ना पर हमारा मुख खुल गया। अब यहाँ पर ट अक्षर है, ट अक्षर से आपको एक शब्द बनाना है और बोल कर देखना है कि आपका मुख खुल कहाँ रहा है। आप लिखिए टमाटर, तो कितने वर्ण है, ट मा टर, चार वर्ण है, ट मा और टर। बोलिए तो आपको समझ में आएगा कि मा पर हमारा मुख खुल रहा है, इसलिए यहाँ पर आ की मात्रा लगाया जाएगा। अब यहाँ से आपको बनाना है ठहरा, कौन सा शब्द बनाना है, ठहरा, तो क्या ये ठहरा सही है, नहीं। अब इसको बोल कर देखिए, ये ठहर लिखा है, क्योंकि ठहर तीनों अक्षर मुंह बंद करके जब हम पढ़ेंगे तो ठहर पढ़ेंगे, लेकिन हमको बनाना है ठहरा, ठहरा। तो अपने आप यहाँ आपको समझ में आ गया कि आ का डंडा कहाँ लगाना है। अब ड से आपको एक शब्द का निर्माण करना है और आपको बनाना है डरावना, तो कितने अक्षर इसमें आते हैं, चार अक्षर आते हैं, ड र व न। जहां आ की मात्रा लगाया जाता है वो ध्वनि हमारे कानों तक जाती है और हमारा मुख खुलता है, जैसे ड र व न। तो देखिए यहाँ र पर और न पर आ का डंडा लगाया गया, ये अंतर देखना है कि अ लगा है या आ लगा है, बस इतना अंतर करेंगे और आराम से आप इन मात्राओं को सीख जाएंगे। अब देखिए यहाँ ढ से एक शब्द देखते हैं, ढकना। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ढकन पढ़ते हैं, तो आप बोल कर देखिए कि आ की मात्रा कहाँ निकल रही है, बिल्कुल सही, ढकना, ना पे हमारा मुख खुल रहा है। अब हमको बनाना है त से तलवार, सबसे पहले वही फंडा कि आपको सारे अक्षर गिन लेने हैं और जितना अक्षर हो, चार हो, तीन हो, दो हो, जितना अक्षर हो, जितने अक्षर से वो शब्द बना है, बार बार उतने ही बार आप बोलिए, जैसे तलवार में चार अक्षर है तो चार बार बोलिए, तो आपको समझ में आ जाएगा पहला अक्षर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन है। जैसे तलवार, तो क्या ये तलवार सही है, नहीं, फिर बोलिए, अपने आप समझ में आपको आएगा, तलवार, यानी वा पर आ का डंडा लगेगा। अब थ से एक शब्द बनाइए, थकान, थकान। अब अपने आप यहाँ बोल कर देखिए और अपने आप समझ जाएंगे कि आ की मात्रा कहाँ लगना है, बिल्कुल सही, बोल कर देखिए, थकान, थकान। अब दा से हमें एक शब्द बनाना है, दवात, द व त। अब अपने आप लगाइए, बोलिए द वा त, बिल्कुल सही, वा पे हमारा मुख खुल रहा है। अब धा से हमें धरना बनाना है, ध र ना, अब ये धरन हो गया, बोलिए ध र ना, तो यानी ना पर आ की मात्रा लगाया जाएगा। ना से एक छोटा दो अक्षर का शब्द बनाइए, ना ना, तो यानी न पे भी डंडा और न पे भी डंडा निकल रहा है, यानी दोनों ही अक्षरों पर आ की मात्रा लगाया जाएगा। अब हम प से एक शब्द का निर्माण करते हैं और लिखते हैं प क व न, यानी प क व न। तो अब आप देखिए इसमें आ की मात्रा कहाँ लग रहा है, प क वा वा न, यानी व पे आ का डंडा लगाया जाएगा। अब यहाँ पर हमको फ से एक शब्द लिखना है, फरमान, तो कितने अक्षर आए, फरमान, फरमान।
अब आप यहाँ पर देखिए कि अ का डंडा कहाँ लग रहा है, सिर्फ उसी तरीके से आप बोल कर देखिए, चाहे धीरे से मुख खुले या तेज से मुख खोल कर बोलिए, लेकिन वो थोड़ा सा ही अंतर से ही लेकिन आपको समझ में आएगा। फ र मा, मा पे डंडा लग रहा है तो बन गया फरमान। अब ब से हमको बनाना है और हमको बनाना है ब ता श, यानी तीन अक्षर हैं। अब बोल कर देखिए आपका डंडा कहाँ लग रहा है, तो ब ता, ता में लग रहा है और शा बताशा, तो ये शब्द बन गया। अब हमको बनाना है भ से, भ से दो अक्षर का वर्ण लीजिए, भ ला, यानी ला आएगा, ला पे डंडा लगेगा तो बन गया भला। अब म से, आपको म से एक शब्द लिखना है और आप म से कोई भी शब्द ले सकते हैं, अपने आप से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा म मत, अब आपको इसको ममता बनाना है तो बोल कर देखिए म म ता, या तो हमने यहाँ त पे डंडा लगाया तो बन गया म म ता। जैसे मैं ये सारे शब्द लिख रही हूँ, आप अलग से शब्द लिखिए, सारे अक्षर पहले आप लिख लीजिए, फिर बोल कर देखिए, फिर आपकी मात्रा लगाइए, करने से आपको समझ में आ जाएगा, फिर इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, आप धारा प्रवाहिता से लिखने लग जाएंगे। याक, फिर आप दो अक्षर का वर्ण पकड़िए और बोल कर देखिए तो समझ में आएगा याक, याक, यानी जहां पर आ की मात्रा नहीं लगी है वहां पर मुंह बंद करके पढ़ना है, जहां आ की मात्रा लगी आपको मुख खोल कर पढ़ना है। अब रा से अगर हमें कोई शब्द बनाना है तो हमें बनाना है रवाना, तो कितने अक्षर आए, यहां पर भी तीन अक्षर आए और बोलिए र वा, वा पे आपका मुंह खुला और ना, ना पर आपका मुंह खुला, रवाना बन गया। अब ला से आपको एक शब्द बनाना है, आप बनाइए ललकार, तो कितने वर्ण है ललकार, ल ल का र, यानी चार अक्षर हैं, बोल कर देखिए एक मुख कहाँ खुल रहा, ल ल का और र, बन गया ललकार। वा से आपको बनाना है, आपको बनाइए शब्द वामन, आप कोई भी शब्द बनाइए लेकिन तरीका यही रखिए, वा म न, तो बन गया वामन। तो समझ में आ रहा है कि वा में मुख खुल रहा है। हा अक्षर से एक शब्द बनाइए, हाल चाल, कितने अक्षर आए, हाल चाल, तो हाल और चाल, अब आप बोलिए तो हा, यानी हा पे डंडा, हाल चाल और चा पे डंडा। आप इस प्रकार से ढेरों शब्द का निर्माण कर सकते हैं, बस आप प्रैक्टिस करिए। जब अ की बात आती है तो हम अ पढ़ते हैं तो मुंह बंद करके पढ़ते हैं, लेकिन जब आ की बात आती है तो मुख खोल कर पढ़ते हैं। फिर अगला वीडियो इ की मात्रा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए बाय।